पहला स्थान ध्यान का सहस्त्राकार है। सहस्त्राकार में हजार पखड़ी वाला फूल, तो फूल तो कोई नहीं, अंदर मन है, हजार तरह के विचार आएंगे, एक आया गया। जो विचार साधारण आता है तो कोई बात नहीं होती, लेकिन एक विचार अगर कई दफा आएगा तो वो कर्म बन जाएगा, कई दफा आए तो कर्म बन जाएगा, पॉजिटिव भी अच्छा भी और बुरा भी। तो ज़्यादा जो आएगा विचार है घटिया विचार को टाल देना, नहीं तो घटिया विचार से कर्म बन जाएगा। तो जो विचार आता बार बार आएगा कोई चीज़ का, ईर्षा द्वेष का या प्रेम का, वो काम हो जैसे किसी की तरफ को लड़की जैसे इससे वो प्यार करना चाहता है, ज़्यादा गौर करा वो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो प्यार करना ज़्यादा खिंच जाता ऐसा है। तो ये है, अगर किसी नफरत करेगा तो उसे नुकसान हो जाएगा, किसे नफरत करेगा ये है तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो विचार आता है इसमें नेगेटिव विचार को तो अवॉइड कर देना चाहिए पहले स्थान पर, और पॉजिटिव विचार रखना चाहिए तो आपको भी सुख मिले और जिसके लिए करता तीसरे अपराध है पहला स्थान। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं शत्रु चीज़ मोटी चीज़ मकान दुकान हाट हवेली संतान वगैरह जो इज्जत चाहता हूँ बड़ा दी बनना चाहता हूँ नेता बनना चाहता हूँ वह सब के सब पहले स्थान के ध्यान चाहिए। इसको शस्त्राकार करके सो पकड़ी व्यापक तो कोई वहाँ फूल तो नहीं है मन है और इसमें विचार आते हैं और ज़्यादा जिस चीज़ का दो चार बार ध्यान होगा तो वो कर्म बन जाता है। घटिया का करेगा तो घटिया का अवॉइड कर देना, नहीं तो वो घटिया पकड़ना पड़ता है। किसी दुश्मनी की सोचेगा मन में तो लाइव करना होगा फिर ऐसा पत्नी के प्रति नारदी का दस में तकलीफ हो जाएगी बीमार हो जाएगी पति पति करेगा वो। इसका तरीका क्या, इसमें पीले रंग का प्रकाश आता है घंटे का शब्द आता है, इसका तेरा ध्यान बढ़ जाता पहले स्थान। तो दुनिया जिसको चाहिए कहीं जाने की जरूरत है, यहाँ पर इष्ट को लेकर के जाना चाहिए, दुनिया का कोई भी काम बिजनेस कुछ भी चाहता ये तो यहाँ तक का पहला स्थान था। इसका आगे जो स्थान है त्रिकुटी माथे के बीच में जिसको ओम कहते हैं, इस स्थान के अंदर कोई रिसर्च ज्ञान चाहता कोई तो वो ज्ञान तेरा बुझ जाता है। इस लोक का था भाई लोग ज्ञान चाहता जिस चीज़ को वो ज्ञान तेरा जितनी विद्या निकलती है सभी से जो ज्ञान आदमी प्राप्त करता है वो इससे करता है इससे होगा इधर ध्यान होने से। इसका लाल रंग का प्रकाश है और बम बम की या ओम ओम की ध्वनि इसी ध्वनि, क्योंकि ये वृत्तियाँ जो इकट्ठी हो जाती हैं यहाँ पर और वृत्तियाँ इकट्ठी होकर के जैसे समुद्र से पानी उठता है ना पानी पर चला गया और ऊपर जाकर वो हवा बन जाती है, इसी तरह विचार नीचे गई तो इधर से वो विचार छूट जाएंगे मन का। इधर तीन काम होते हैं यहाँ ध्याता ध्यान और ध्येय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। विचार बढ़ता है विचार के साथ खेलते हो और सहार कर देते हो, ये तीनों इस पर त्रिकुटी के स्थान का यार इसका क्या पहचान है लाल रंग का प्रकाश है बम की या ओम की धर्मी है यहाँ इसके जो ऊपर चलेगा थोड़ा सा तो यहाँ पर सुन आ जाता है। सुन के अंदर क्या होता है मन काम नहीं करता तो सुन के अंदर लस्सा रहता मस्ती चिंता फिक्र नहीं रहता कहते मस्त फकीर था वो ये था तो चिंता फिक्र नहीं थी मन काम करता है नशा सदा रहता है बेफिक्री और ये स्थान सुन बाजता है अच्छा है। उसके जो आगे जाता है तो मासून आ जाते मासून का मतलब बिल्कुल मन काम नहीं करेगा टोटली और अंधेरा हो जाएगा कोई तरह विचार अंधेरा होगा और इससे का पहले वाला तो बताया नहीं चैन से चैन नहीं होगी इसी का पता सारंगी की आवाज़ आएगी आप और ये सारंगी आवाज़ क्या आती है वो अंदर नस खिंच जाती है वृत्ति खिंच जाती है और उसके ऊपर जो करते हैं ना तो सांस सांस की आवाज़ आती है ना सारंगी तो इसी तरह वो मन ऊपर जो आत्मा उसके ऊपर चलती है सूरत इकट्ठी होती है उसके बाद और उसके ऊपर जाएगा तो सफ़ेद रंग का प्रकाश है उसके सोहम की आवाज़ है सोहम मासून से आगे मासून तो अंधेरा है वो मतलब मन को इष्ट को छू भूल गया तो मन काम नहीं करेगा तो मासून से गृहस्थीगरी ठीक नहीं है गृहस्थी कोई काम नहीं कर सकता फिर और उसके लिए कोई अनुभवी आदमी निकालेगा उसको ऐसे निकालेगा कहते उसको क्या इष्ट को पकड़े इष्ट को मत छोड़ तो प्रकाश को पकड़ेगा तो ठीक होगा फिर आगे जब चलेगा तो ज़बरदस्त प्रकाश आ जाएगा मासून से आगे सोहम थोड़ा सो सफ़ेद रंग का प्रकाश कि भवन गुफा इसके ऊपर ही है चक्कर है भवन गुफा कह दिया सब तो मतलब यहाँ का सिद्धून है प्रकाश का है विम भाई प्लेट है पहले तो एक सूर्य जैसा आएगा और यहाँ से ऊपर चलेगा तो भवन गुफा ये सत्यों को बताया ना इन तीनों ईद के दिखा जाएगा कि वो प्रकाश जबरदस्त कई सूर्य जैसा हो जाएगा तो सूर्य तो कोई नहीं उधर ये जो आदमी के ब्रह्मचारी का जीवाणु है ना छोटे छोटे वो एक सूर्य जैसा होता है फिर भेद है ये बात
ये बताते नहीं माता, मुझे मालूम नहीं होता, तो ये वो जीवाणु होते हैं। और साथ ही शब्द की ध्वनि आई शाह के बाद, शब्द जो राम नाम जिसको कहते हैं वो है, वो चलता रहता है। यहाँ पर दो चीज़ बाल मिलते ही इधर हैं, वीण की आवाज़ आती है और दूसरा इसके अंदर प्रकाश होता है, सफ़ेद रंग का प्रकाश, और साथ ही शब्द, दोनों चीज़ चलती है। वो शब्द में क्या सुनाएंगे? शब्द के अंदर जो शब्द आपकी लाइफ है, वो सुरती है, सुरती शब्द को सुनती है और वो क्रिएटर जो प्रकाश है कि सुर वो यहाँ दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। शब्द और प्रकाश दोनों से कभी सो जाता है, कभी प्रकाश आप, और इसके ऊपर जब चलोगे इतना ऊपर की तरफ, उसके बाद प्रकाश खत्म हो जाएगा और केवल शब्द इसका। ये तो सतलोक हो गया, ठीक है, बाल मिले। और इसके ऊपर चलेंगे, यहाँ पर जो बच्चा का ताड़ा होता है टिप टिप करता है, इस जगह आ जाएंगे तो यहाँ पर केवल शब्द आएगा, केवल शब्द की धुन आएगी, धुन है वो धुन आत्मा। इसके बाद ये चलता है यहाँ तक का, ये तो इस जगह को सिर्फ कुछ है, वो शब्द की ध्वनि आ रही है, धुन है, धुनात्मक है, या चाहे वही करे चाहे वाले करे, वो धुनात्मक है, कोई उसका धुरनात्मक नहीं। इस जगह से ये इसको अलग कर दे, लखा नहीं जाता, उसको देखा नहीं जाता, वो सिर्फ अनुभव होता है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ, अब वो खुला मेरा यहाँ पर, और अलख निरंजन का जो रास्ता है वो चौथा पद है। इस पद का, ये चौथे पद की कोर्स है, चौथा पद चलने फिर ये आगम आता है, यहाँ तक का सफ़र अलग से लेके अलख निरंजन से चोटी तक का जो सफ़र है इसको आगम कहते हैं, जिसका किनारा नहीं आता, लेकिन कोई वार पार का पता नहीं करता, चलते क्षमता बनी रहती है सर, कोई हलचल नहीं। ये सब जाते आते ये सब गायब हो जाता है, छोटी के नाते वो सुनता है वो भी ख़त्म, शब्द भी ख़त्म, अरे सुनने वाली चीज़ भी ख़त्म। अरे ये तो डुबकी मार दिया गहरी, जैसे गहरी नींद में जाता फिर क्या देता है, गहरी नींद में कुछ नहीं होता, फिर चेतनता आती है तेरे को, चेतनता आके वही शब्द फिर नीचे जाता, ये चलता रहेगा चार कई दिन तक। इस जगह पर सत्संग की जरूरत है वैराग का, और ये जीवित मुक्त अवस्था है। एक दफ़ा गुटका मार गया तो उसमें तो पता तो चल गया कोर्स का, अब उसकी तरफ कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि कर्म का चक्कर है प्रारब्ध का, प्रारब्ध जिस दिन खत्म होगा उस दिन वो दोनों मिल जाएंगे, फिर दोबारा कुछ जाएगा नहीं। तो प्रारब्ध के कर्म का जो चक्कर है वो भोगता से 10 साल भी, मैं 1962 से भोग गया, मेरा प्रारब्ध है, उसने कहा तेरा प्रारब्ध है भी वो भोगता रह गया, तेरी उम्र जो लंबी है और सब तेरे को जल्दी आ गया। लेकिन रास्ता छोटा था ना, शॉर्ट, लोग यहाँ से चलते हैं इधर चलती है, अब मैं यहाँ चला गया, मैं यहाँ से चला गया तो मेरा शॉर्ट हो गया रास्ता बहुत। महाराज जी कहा तेरा जो रास्ता तेरा बहुत छोटा रह गया अभी, और तेरी उम्र तेरी ज़्यादा रहेगी, तो तेरे को वैराग हो जाएगा, तू घर छोड़े भागेगा तो वैराग मत रहना, वैराग मत सब भागना मत, घर में वैराग रखना। कैसे का घर वाले हैं, कुछ हो गया तो कुछ फिक्र नहीं, जाना आना, अरे साधारण लोगों के साथ मिल के रहना, नहीं तो जिंदगी अलग हो जाएगी, टीकला बन जाएगा अलग, ऐसे साधु भाजिया ना अलग लोग भगवान बन जा रही है बन जाए, और फिर बाद में उनको कोई अच्छा नहीं देता, कोई दुनिया अच्छी नहीं थी, तो तू इनके साथ ड्रामा करते रहना घर वालों, मेरा बेटा भाई बहुत जानता है, कोई भाई नहीं है, कोई तकलीफ देता समझा कोई लेने देने का चक्कर है, पत्नी अकड़े करती है समझो कोई लेने देने का चक्कर है, हाथ मिलाती है इसका मतलब मिल के चलती है, इसका मतलब मेरा देना देना बस करती है, ये हालत बनी गई। और ये हालत आखिरी टाइम की, आखिरी टाइम के जब आएगी उस दिन तो उसी से लाइन हो जाएगा, इन दोबारा आएगा नहीं, जीवते ही अनुभव कर लिया, कई साल तक जीवित मुक्ति में रहेगा। अब जो देखता तबाद साधन कल गया साधन, मुझे ख्याल नहीं था कि 2-3 आदमी आए बराधा में, मैं तो वैसे देख रहा हूँ कोई बात ही ज़्यादा तो क्या करेगा, इतने दिखा इतना था उसका क्या ही नहीं सकते, उनके भाग्य में नहीं था, दुख नहीं आएगा कुछ, जैसे नहीं सोच इतना आदमी होना चाहिए यार मेरे टाइम को, अब उसका मेरे को ख्याल नहीं होता, जितने आगे दो आगे ये किसी अवस्था में फिकाई नहीं आती, फिर वो कहते सदा विलास त्रास नहीं कम, हमेशा खुशी रहती है, ठीक है ये अच्छा जो क्या होता जो जो होता अच्छा, यहाँ हलचल नहीं हुई। तो इस योग में क्या है, जीवित मुक्त अवस्था में कोई गम चिंता फिक्र वगैरह नहीं, और वो एक तरह नज़ारा सब देखता सब परमात्मा जितने जीता है यार। अब उसके बाद आखिर जो नहीं आता है वो कहते हिम्मत भैया नहीं तो आता रहता वापस, कहते जब आखिरी कर्म चुक जाएंगे सब, उसके बाद वो सोचते और वो अपनी एंटिटी खो देगी, अपनी एग्जिस्टेंस खो देगी, उसका रूप बन जाएगी, प्रकाश है तो प्रकाश का रूप बन जाएगी, सब जो पानी है तो पानी का रूप बन जाएगा। या जो बोलने वाली तत्व चीज़ है
या उससे निकली आई हालत समुद्र से उसी में। तो एक बार गोता मारने के बाद वापस आएंगे फिर बस उसको फिर मतलब सुर तो बनी रहेगी, अटेंशन तो रहेगी, खिंचाव तो रहेगा, लेकिन मतलब कोई फिक्र फक्का नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, चलो कुछ हो जाएगी तो दुख नहीं आएगा, चिंता फिक्र के गम के भय की इज्जत का बेइज्जती का कोई सवाल नहीं, तो नॉर्मल रहेगा, मजबूर है दुनिया तो काम से, और इस वजह से ऐसा मौका होगा वो खेल खेल जा सकते, चोर का ठक्का उसका विटनेस बनेंगे, और कोई रोल तो रोगा नहीं उसके साथ दे बेचारे साथ चल, तो ड्रामा कर रहे प्रभात का रोल है, चोर का ड्रामा कर रहे, कोंडी का ड्रामा कर रहे, अभी ये IAS बने बैठे हैं, वो परमात्मा ही समझेगा, जे देखता हूँ तू ही तू, तो उसको सब जगह हिंदू कहते सिया राम में सब जगह राम जो होते थे सिया राम के बस जगह, इस तरह से उर्दू कहते हैं जे देखता हूँ तू ही तू, तेरे शिवा कुछ है, मुसलमान कहते ला इला इल्लल्लाह, अल्लाह के शिवा कुछ है अल्लाह इल्लाह सब जगह, कहने का फर्क कर बात वही है, टेक्निकल शब्दों में लड़ते हैं ना ये लोग, वो तो कहता है अल्लाह के शिवा कुछ नहीं है और हम कहते हैं परमात्मा के शिवा कुछ नहीं, बातों पर एक बात तो इस हाल सुनने वाले को फिर वो जीवित मुक्त अवस्था होता है, निर्वाण प्राप्त होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, ऐसा है, तो 100% भी मेरे साथ कोई बात है नहीं, कभी कभी मन के मतलब थोड़ी देर आ जाता हूँ, अपने आप समझ जाते हैं, यत्न नहीं करना पड़ता, ये अवस्था आती है, इन वो वापस आएगा नहीं, अगर वो जीवित मुक्त अवस्था में चला गया तो पर ये कोई दावा नहीं है, अगर और कोई काम बाकी रहेगा तो आ जाएगा, पर वो डिस्टिनेशन वो आके बस उसके बाद भाई, तो गहरी दिन सो गया था शरीर मन वगैरह सब खत्म हो गया, इस तरह पहले शरीर का समाधि है, चौथा पद बताते हैं, दूसरा मन का है, मन में नजर रहते हैं उनको मानता नहीं तो तेरे ध्यान नहीं जाएगा उनके उसके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा प्रकाश आ जाएगा, तो आनंद ही आनंद है, फिर आनंद तो दो चीज़ होगी ना, आनंद कुछ और चीज़ है उसको लेने वाली चीज़ और है, तो इससे भी आगे चलो, इससे आगे चलेगा क्या समझ आ जाएगा वो अलग नहीं, और वो चोटी तक हमारे और चोटी जो रखते हिंदू इसीलिए रखते थे इधर आगे पड़ा और यहाँ से चल गया, तो सीधा सा बात क्या हो गया, पहले स्थान पर तो कुछ करना इच्छा करेगी वो चीज़ तेरे को मिल जाएगी, कि देखिए एकाग्रता होगी ना तो उस चीज़ का पिछाड़ क्या है, पीले रंग का प्रकाश आ जाता है, घंटा का शब्द होता है, इसका दुनिया की चीज़ जो है तेरे को इच्छा चाहता है सिद्धि प्राप्त कर ली, सोचो दूसरा भी याद जाएगा यहाँ पर इधर लाल रंग का प्रकाश क्यों जोर लगा के मूर्ति बनानी पड़ती है गुरु, तो मूर्ति बनाने थोड़ा जोर लगता है ना, तो रंग सोने से जोर लगता है, लाल लाल रंग लगता है, वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आ गया काफ़ी है।